ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। आज झारखंड चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। 2014 में 25 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी और पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे विधानसभा के, और इस बार भी बीजेपी ने 5 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाने की का प्रस्ताव रखा था, जबकि तमाम दल चाहते थे कि एक चरण में झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो। और आज ये पता चल जाएगा कि कितने चरणों में झारखंड विधानसभा का चुनाव होता है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसमें चुनाव की तारीखों का, झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो बस बचने वाली है रणभेरी, तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से तैयारियों में लगा हुआ है, और इधर सरकार भी अपने बकाए काम को निपटाने में लगी हुई है। धड़ाधड़ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। आज जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, ये सभी उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम थम जाएंगे, राज्य में आचार संहिता लग जाएगी और उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो जाएंगी। तो पिछली बार राज्य में 5 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 25 अक्टूबर को राज्य में आचार संहिता लगी थी, और आज शाम चुनाव आयोग ने 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि आज राज्य में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है और इन तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगा। इस बार चुनाव आयोग ने पिछली बार लोकसभा चुनाव से ही कई नए तरह के प्लान्स लॉन्च किए हैं। सी विजिल ऐप है, ये ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जहां पर आपको लगता है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या फिर कोई धांधली हो रही है, उस ऐप का सहारा लेकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जो सीधे चुनाव आयोग के वेबसाइट पर फ्लैश करेगा और वहां पर कार्रवाई होगी। तो कई और ऐसे कोशिशें हैं आयोग की तरफ से जिससे फेयर इलेक्शन हो और शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तरीके की तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले भी चुनाव आयोग की टीम का दौरा हुआ था, तैयारियों की समीक्षा की गई थी, तमाम जिलों से डीसी एसपी पहुंचे थे और समीक्षा की गई थी कि चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। मतदाता पहचान पत्र, ये तमाम जो जरूरी चीजें हैं, दस्तावेज हैं, उन्हें लगभग तैयार कर लिया गया है। नए मतदाता भी जुड़े हैं राज्य में, जिनमें त्रुटियां थी उन्हें भी सुधारने का वक्त दिया गया था, और बियोलोज लगातार इसमें एक्टिव नजर आ रहे थे। और अब चुनाव की तारीखों के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां और बढ़ जाएगी। चुनौती एक राज्य में है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, क्योंकि कई ऐसे सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां अभी भी नक्सलियों का वर्चस्व हम कह सकते हैं, उस दहशत में लोग हैं। हालांकि कोशिश लगातार रही है कि लोग अपने घरों से निकले, मताधिकार का इस्तेमाल करें, और बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने पिछले चुनाव में ये किया भी, लोकसभा के चुनाव में, जहां से लोगों की भीड़ बूथों पर नजर आई, उन इलाकों से जहां लोग पहले वोट देने से घबराते थे, डरते थे, लेकिन एक प्रशासन का इकबाल अभी बुलंद हुआ है इन चीजों में। और आज राज्य के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकती है, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है 4:30 बजे। तो बस चुनावी रणभेरी बजने वाली है और इंतजार अब कुछ ही घंटों का है, जब ये साफ हो जाएगा कि राज्य में कब चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे। तमाम तरह की अटकलों पर विराम लग जाएगा, इसके लिए राज्य भी तैयार है, राजनीतिक पार्टियां भी तैयार हैं। पिछली बार की अगर बात करें 2014 में, तब 25 अक्टूबर को आचार संहिता राज्य में लागू हुई थी और 5 चरणों में चुनाव कराए गए थे। हालांकि इस बार कई दलों ने वकालत की है कि एक चरणों में या कम से कम चरणों में चुनाव हो, लेकिन बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका भी मानना है कि 5 चरणों में चुनाव राज्य में हो, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं
जो नक्सल प्रभावित हैं वहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम चाहिए। सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपिन के पास चलते हैं। विपिन, आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या उम्मीदें हैं कि आज राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो? जी आसिया, जिस तरह से आज 4:30 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और जो चर्चा है कि आज शाम 4:30 बजे झारखंड विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो सकती है, इस बाबत लगभग तमाम प्रशासनिक अहदे पर बैठे जो लोग हैं वो भी संकेत कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री सचिवालय की बात करें या राजनीतिक दलों की बात करें, हर जगह ये सुर्खियों का विषय बना हुआ है कि आज झारखंड विधानसभा के चुनावों की तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। और जिस तरह से जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि लगभग 3 से 4 में झारखंड विधानसभा के चुनाव जो है वो कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की टीम जब झारखंड आई थी तो विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ भी उनकी बैठकें हुई थी, राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। तो जिस तरह से विपक्षी दलों ने 1 चरण में चुनाव कराने की मांग की थी, वहीं बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है झारखंड में, उसने 5 चरण में चुनाव कराने के लिए कहा था। इसके पीछे तर्क दिए गए थे कि झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से 5 चरण में चुनाव होने चाहिए। 4 चरण में झारखंड में लोकसभा के भी चुनाव हुए थे, और बीते 2014 में जब विधानसभा का चुनाव झारखंड में हुआ था तो वो भी 5 चरण में हुआ था। 25 नवंबर से चुनाव की शुरुआत हुई थी और 18 दिसंबर को अंतिम चरण जो था वो संथाल परगना में संपन्न हुआ था, और 23 दिसंबर को मतगणना कराई गई थी। तो अब जो जानकारी मिल रही है कि आज अगर अधिसूचना जारी होती है तो पहला चरण जो होगा विधानसभा का वो 1 या 2 दिसंबर को संपन्न होगा, इसके बाद 8 या 9 तारीख को दूसरे चरण के लिए वोटिंग कराए जाएंगे, 15 या 16 को तीसरे चरण की वोटिंग, और 20 या 21 को अंतिम चरण। अगर चौथे चरण तक ये चुनाव खिंचता है तो ये जा सकता है, और 23 या 24 दिसंबर को राज्य में मतगणना कराया जा सकता है। तो लगभग हर तरफ से संकेत यही है, सबको इंतजार भी चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इस वक्त हम कांग्रेस भवन में मौजूद है आसिया, और जिस तरह से अभी प्रदेश प्रभारी का यहाँ पर दौरा हुआ, गठबंधन को लेकर बातचीत हुई, तो चुनाव के लिए कांग्रेस कितना कंफर्टेबल फील कर रही है इसकी जानकारी हम खुद ले लेते हैं झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा से। राकेश जी, आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी, क्या कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह इस चुनाव में अपनी शक्ति, अपना पूरा सामर्थ्य हम लोगों का लग चुका है। हम लोग पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे, प्रखंड स्तर पे हम लोगों की काम आज नहीं बल्कि 1 साल पहले से हम लोगों की शुरुआत हो चुकी है, और इस चुनाव के लिए हम लोग पूर्ण रूपेण तैयार हैं, क्योंकि यह बदलाव का वक्त है। राज्य की जनता स्वाभाविक तौर पे बदलाव चाहती है, तो इस बदलाव में हम राज्य की जनता का पूर्ण समर्थन, पूर्ण आशीर्वाद कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ रहेगा। क्या लगता है कि इस बार का परिणाम जो है, और जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे आए हैं, उससे आप लोग थोड़ा उत्साहित हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है, हरियाणा में इन लोगों ने नारा दिया था 75 पार, वहां क्या स्थिति है कि समर्थन पाने के लिए आपराधिक मामले को हटा करके जेल से छुड़वाना पड़ रहा है, तब उनकी सरकार वहां बन रही है। तो स्वाभाविक तौर पे जो झारखंड में इन लोगों का नारा है 65 पार, वो हमें लगता है कि सिमट करके इस राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी के तमाम हथकंडों को देख चुकी है, समझ चुकी है, सुन चुकी है, इसलिए हमें लगता है कि ज्यादा 20 से 22 सीट पे पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। कांग्रेस को कितना सीट जीतते देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारा गठबंधन का बात चल रहा है, सीट शेयरिंग लगभग में फाइनल स्थिति पे है, तो जो सीटें हमें मिलती है तो स्वाभाविक तौर पे आप ये मान के चले कि राज्य की जनता का पूर्ण आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ रहेगा, जो भी वहां उसके उम्मीदवार रहेंगे। और कांग्रेस इस राज्य में अच्छा प्रदर्शन, पूर्व से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस इस राज्य में करने जा रही है। तो आसिया, कांग्रेस के अंदर उत्साह है, दावा है कि चुनाव में बेहतर परिणाम कांग्रेस देगी 2014 के तुलना में, और तैयारियां क्या है, किस तरह से कब तक अंतिम स्वरूप लेगा गठबंधन का, इस पर भी हम बात कर लेते हैं वर्तमान में जो प्रवक्ता है झारखंड कांग्रेस के तौसीफ जी। तौसीफ जी, तैयार हैं आप लोग चुनाव के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। हमारा जो आपका जो सवाल है वो ये है गठबंधन का, तो गठबंधन स्वरूप ले रहा है, बहुत सारी खाका जो है वो ब्लूप्रिंट हम लोगों का तैयार हो चुका है, प्रभारी आए थे, कई राउंड इस पे बात हो चुकी है, और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने सारी चीजें आ जाएंगी। रहा सवाल गठबंधन की, ये कांग्रेस की मजबूती की, तो हम लोग 81 सीट पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो झारखंड की, झारखंड सरकार की विफलताएं हैं उसको लेकर हम लोग गए गाँव में, मोहल्ले में, टोले में, पंचायत में, प्रखंड में, जिला
स्तर पे, प्रखंड स्तर पे हजारों कार्यक्रम ऐसे हुए हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में ये बताया है कि 5 सालों में रघुवर सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे युवा खुश हो, महिलाएं खुश हो, किसान खुश हो, कोई भी खुश नहीं है, सारे लोग नाराज हैं, एक आक्रोश है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने जो नाम भी दिया था रैली का, वो आक्रोश दिया था। आपने देखा है कि पिछले 5 प्रमंडल में जो रैलियां हुई हैं, वो उसमें ज्यादा तादाद जो थी वो युवाओं की थी, युवा आक्रोश थे। इन्होंने वादा किया था कि नौजवानों को हम नौकरी देंगे। आप एक भी ऐसा कोई उद्योग बता दें जो 5 सालों में इन्होंने स्थापित किया हो, एक सुई का भी प्लांट इन्होंने नहीं बनाया। जब प्लांट या उद्योग कोई स्थापित होगा ही नहीं तो फिर नौकरी किस चीज की मिलेगी। मोमेंटम झारखंड भी एक सवाल है, मोमेंटम झारखंड पे हजारों करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया है। एजी से हम लोगों ने डिमांड किया कि आप इसका ऑडिट करिए, जिस तरह से झारखंड का घोटाला सामने आया था एजी के माध्यम से, उसी तरह से मोमेंटम झारखंड का भी घोटाला सामने आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आपका ही एक रिपोर्ट मैंने देखा था न्यूज का कि जैसे ही स्किल डेवलपमेंट का के द्वारा जो इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा था, तो वहां पे आप खुद रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से पूछा था कि भाई आपको नियुक्ति पत्र मिला है तो कहां आप नौकरी करने जाएंगे। तो वो जिनको नियुक्ति पत्र मिला था वो सेटिस्फाइड नहीं थे, और जिनको नियुक्ति पत्र मिला रोजगार के लिए कि आप जाइए बैंगलोर जाइए, पुणे जाइए, बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, तो वो उनको जो इंजीनियरिंग करके MBA करके 7,000-8,000 की नौकरी वो तो कर नहीं पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सरकार की विफलता का फायदा कांग्रेस को मिलेगा 100% एंटी इनकंबेंसी है, नौजवानों के अंदर आक्रोश है, महिलाएं असुरक्षित महसूस 5 सालों में की हैं। ये व्यापारी कई मुद्दे हैं विपिन, और ये मुद्दे अब रैलियों में काम आएंगे कांग्रेस को बताने के लिए जनता को, ताकि पब्लिक भी समझे, और पब्लिक बेहतर समझती है, समझदार है, कौन क्या कर रहा है पब्लिक सब देखती है। लौटेंगे विपिन आपके पास, इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश भी बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। राजेश, आज कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है चुनाव आयोग ने, बीजेपी में क्या हलचल है? कांग्रेस अपनी तैयारी पुख्ता बता रही है, बीजेपी की तरफ क्या हलचल दिख रही है? देखिए, बहुत तेज हलचल है। जैसे ही सूचना ये मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची है, पार्टी के नेताओं तक पहुंची है, तो जो यहाँ पर उपलब्ध हैं वो पार्टी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर लोग जो पदाधिकारी हैं या जिस भी प्रकोष्ठ के या मोर्चा के हैं लोग, वो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अभी छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है, लोहंडा है, आज उसमें भी व्यस्तता है, नहीं तो और भी भीड़ होती। हम यहाँ पर कई लोग हैं, कई लोग आ रहे हैं जिनके घर में पूजा पाठ अभी नहीं भी हो रहा है, वो लोग भी आ रहे हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब लोग हैं। अच्छा, हम इनसे जानना चाहेंगे, प्रतुल जी ये बताइए कि तैयारी कैसे? मुकम्मल तैयारी है हमारी, तैयारी तो जिस दिन से हमारी सरकार बनती है उसी दिन से शुरू हो जाती है। विकास करते हैं हम, और जनता विकास के नाम पे वोट देती है, तो हम दो नारों के साथ चुनाव में जा रहे हैं, अब की बार 65 पार और घर घर रघुवर। विकास और राष्ट्रवाद हमारा शुरू से मुद्दा रहा है, इस चुनाव में भी रहेगा। हमने तो अपनी पूरी तैयारी कर दी, चेहरा भी बता दिया, विपक्ष ने बारात निकाल दी, लेकिन दूल्हा कौन होगा? अब तो तिथियां निश्चित होने जा रही हैं, उसके बाद इनका दूल्हा कौन होगा अभी तक क्लियर नहीं है। दूल्हा नहीं, ये बताइए पहले उम्मीद पर हम संभावना जताते कि क्या उम्मीद कर रखे, जो कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के समक्ष जो अपने प्रस्ताव रखे थे कि 5 चरणों में मतदान कराया जाए, तो क्या आप लोग को ये उम्मीद है कि 5 में होगा या कम है? देखिए, हमारे डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि झारखंड की स्थिति को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ज्यादा वोटिंग कराने के लिए 5 चरणों में चुनाव कराने का हम लोगों ने आग्रह किया था। अब ये चुनाव आयोग का कॉल है, अब उनका जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार हम अपने कार्य में लग जाएंगे। आप लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि हमारी तैयारी तो हमेशा से रहती है, जिस दिन से चुनाव खत्म होता है दूसरे दिन से लग जाते हैं, और इस बार के लिए खास तौर पर हम देखें, मुझे जो याद है कि अमित शाह आए थे 2017 में 3 दिन के प्रवास पर, उसी समय से आप लोगों को एक रोड मैप और कुछ टास्क दे के गए थे, जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, चूँकि एक ही वर्ष में ये दोनों चुनाव प्रस्तावित थे, इसलिए वो तैयारी का ही पार्ट माना जाएगा। आप लोग उस टास्क को पूरा कर लिए हैं? बिल्कुल, पूरा टास्क हम लोगों ने पूरा किया, बूथ अध्यक्षों की बैठक हो चुकी है। 1 करोड़ लोग को झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। लाभार्थी सम्मेलन हम लोगों ने सभी विधानसभा में किया, अंतिम वोटर तक हम पहुंचे हैं, और अगर सरकार ने जो विकास की लंबी लकीर खींची है ना, उसको लेकर हम चुनाव के मुद्दे पे जा रहे हैं और हमें बड़ी सफलता मिलेगी। अच्छा, हम आपसे और भी बात करें, ये बताइए कि आप चुनाव में दावेदारी रख रहे हैं? हम बाकी विधानसभा से दावेदारी रखे हुए हैं, बाकी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तैयारी है आपकी कि आप यहाँ रांची में ही घूमते रहते? नहीं, तैयारी बहुत बढ़िया है,
हर समय जाते पाकी में, तो नए एक दूसरे दल से आए हैं उसे आपके प्रतिद्वंदिता हो? नहीं, आना जाना सबको है, सब लोग को आना चाहिए। आपको लगता है कि आप पर कंसीडर किया जाए, आप भी चुनाव लड़ने के? नहीं नहीं, अभी चुनाव लड़ने की, चुनाव में सहयोग करेंगे जी। ये लोग हैं। अच्छा प्रतुल जी, ये बताइए कि जितने लोग हैं, जैसा परफॉर्मेंस हुआ लोकसभा चुनाव में, क्या आपको उसी के रिपीट होने की संभावना है, उम्मीद है? देखिए, उससे भी बेहतर, अगर आप पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो 37 सीट हम सीधे जीते थे, 28 पर दूसरे नंबर पे थे, तो 65 सीट पे हम बिल्कुल एकदम बहुत फेयर चांस है, इसलिए हम लोगों ने अब की बार 65 पार का नारा दिया है। और मैं आपको बताऊं राजेश जी, हमारे यहाँ पार्टी नहीं चुनाव लड़ती, हमारे यहाँ विचारधारा चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ती है, नेता और कार्य विधायक सांसद सेकेंडरी होता है, सारे लोग प्रयास करते हैं टिकट के लिए। एक बार टिकट की घोषणा हो जाती है तो पूरे परिवार की तरह एक होकर हम अपने उम्मीदवार को जीते। ये नहीं लगता है विरोधाभास, आप कह रहे हैं कि पार्टी लड़ती है तो दूसरे दलों से लोग जो आ जाते हैं? हमारे यहाँ विचारधारा और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, जो दूसरे दल से लोग आ रहे हैं वो हमारी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं, हमारे राष्ट्रवाद के एजेंडे को स्वीकार कर रहे हैं, विकास की जो टिकट की आकांक्षा, विकास की मैप को भी अगर वो स्वीकार कर रहे हैं और अगर उनके जीतने के फेयर चांसेस हैं तो उनके अवेलेबिलिटी के आधार पर अगर हमारे वो जो सिद्धांत है उसके अनुरूप पर चलना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ये बताइए कि छठ महापर्व के बीच में इसकी घोषणा होने जा रही है, आपको लगता है कि ये उम्मीद थी आप लोगों को या इसके बाद होने की संभावना थी? देखिए, ये कयास लगाए जा रहे थे कि अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह में चुनावों की घोषणा होगी, उसी के अनुरूप शायद आज चुनाव आयोग घोषणा करेगा। हम तो बहुत दिन से तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की आप तैयारी देखिए ना, उनका दूल्हा कौन होगा यही नहीं पता। अच्छा, ये लोक पर्व जो है उसमें क्या चुनावी रंग आएगा? नहीं नहीं, ये आस्था का पर्व है, पर्व को और राजनीति को जोड़ने की बात नहीं है, ये आराधना का पर्व है, छठ मैया के लिए पर्व है, सूरज भगवान के लिए पर्व है, इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ना उचित नहीं है। राजेश, तो तैयारियां तमाम दलों की पक्की नजर आ रही, राजेश लौटेंगे आपके पास, इस वक्त दिल्ली से ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषिकेश का रुख करते हैं। आप ऋषिकेश, दिल्ली में कैसी हलचल नजर आ रही है? आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है चुनाव आयोग की टीम और उम्मीदें हैं कि ऐलान होगा चुनावी तारीखों का, दिल्ली में कैसी हलचल दिख रही है? देखिए, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 4:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सब दलों की अपनी अपनी तैयारियां, हमारे साथ खुद हैं अंसारी साहब जो पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्हीं से एक सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि दिल्ली में मौजूद है। कहा जा रहा था कि बीजेपी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा चरणों में चुनाव हो, आप लोगों ने चुनाव के वक्त में कहा था कि कम चरणों में चुनाव हो, आखिर कम चरणों में चुनाव क्यों चाहते, बीजेपी ज्यादा चरणों में क्यों चाहती है? देखिए, हम लोगों ने कम चरणों की बात नहीं कहा था, हम लोगों ने कहा था एक चरण में चुनाव कराया जाए, कांग्रेस का यही स्टैंड रहा है शुरू से और जितने हमारे सहयोगी दल हैं उनका भी यही स्टैंड रहा है कि एक ही चरण में चुनाव करावें। जब आप महाराष्ट्र और आपका हरियाणा का चुनाव एक चरण में करा सकते हैं, जो उससे झारखंड छोटा राज्य है, वहां पे आप तीन चरण या चार चरण और पांच चरण की बात क्यों करते हो? एक तरफ रघुवर दास कहता है कि नक्सल से हम मुक्त कर दिया झारखंड को, इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दे दिया कि नक्सल मुक्त हो गया झारखंड, तो फिर दो चरण या तीन चरण या पांच चरण की बात क्यों कर रहे हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि ये तिगड़नबाजी करने की इनकी साजिश है, ये तिगड़नबाजी में माहिर हैं बीजेपी के लोग, ये तिगड़नबाजी करके ही चुनाव जीतना चाहती है। फुरकान साहब, सवाल ये है कि विधानसभा 2014 के चुनाव पांच चरण में हुए, लोकसभा के चुनाव चार चरणों में हुए, फिर कांग्रेस एक चरणों में क्यों चाह रही है, पांच चरण में क्या दिक्कत है, चार चरण में क्या दिक्कत है कांग्रेस को? जितना चरण होगा उतना तिगड़नबाजी इनकी बढ़ेगी, जितना चुनाव जितना चरण होगा उतनी तिगड़नबाजी बनेगी और लोगों को शिफ्ट करेगा, अपने लोगों को शिफ्ट करेगा धन बल के साथ और वहाँ पे तिगड़नबाजी और पैसे खेल करेंगे। ये इनका पुरानी इनकी पुरानी हरकत है, ये इनसे सभी झारखंड के लोग समझ गए हैं इस बात को। फुकान साहब, एक सवाल और है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के लिए वो बड़ी चुनौती है क्योंकि माना जा रहा है कि जो 30% से ज़्यादा डोमिनेटिंग सीट है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पे MIM भी अपने चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे क्योंकि किशनगंज से उसका हौसला बुलंद है, बाई इलेक्शन में उसने खाता खोला है बिहार में। ये देखिए, अंदरूनी सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं उसको बीजेपी फीडबैक करता है ताकि जो हमारा सीट है जहाँ जहाँ अकलियतों की आबादी थोड़ी सी है वहाँ पर हम हार जाएँ, ये उनकी पहले से इनको फीडबैक मिलता है बीजेपी से। लेकिन इस बात को मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि झारखंड में इनकी दाल यहाँ गलने नहीं देंगे हम लोग, इस बार झारखंड में दाल नहीं गलेगी और यहाँ के लोगों को भी इस बात का जानकारी है, झारखंड छोटा राज्य जरूर है, हम लोग झारखंडी जरूर हैं,
लेकिन हमारे मतदाता इस मामले में बहुत ही जागरूक और बहुत ही मजबूत मतदाता है हमारे। एक आखिरी सवाल है, छोटा सवाल है कि लोकसभा का चुनाव फुरकान साहब नहीं लड़े, क्या विधानसभा चुनाव में फुरकान साहब उम्मीदवार होंगे? अब महज कुछ घंटों का वक्त रह गया है। देखिए, अभी आलाकमान हमारे ये सोच रही है कि कौन सीट कहाँ से हम निकाल सकते हैं और किनको लड़ाने से कहाँ से सीट निकल सकती है। हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये आलाकमान के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो नेशनल पार्टी के आदमी है, हमारा आलाकमान जो निर्णय लेगा हम उसमें, हमें लोकसभा नहीं लड़ाया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम दूसरे पार्टी में जा सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब आलाकमान का फैसला हो गया तो हो गया, मैं आलाकमान से बड़ा नहीं हूँ। कहा जा रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए तमाम बड़े लीडरों को चुनाव लड़ना चाहिए, आप हो गए, विश्रामपुर से हो गए ददई दुबे, बहुत सारे सुबोध कांत सहाय, क्या इन लोगों को भी चुनाव लड़ना चाहिए लग रहा है? ये आलाकमान हमारा स्ट्रेटेजी अगर से बनाते हैं तो बनावे, हम लोगों को एतराज नहीं है। कहेंगे लड़ने के लड़ेंगे, कहेंगे नहीं लड़ना नहीं लड़ेंगे। तो देखिए, कांग्रेस बिल्कुल तैयार है और महज कुछ घंटे का वक्त रह गया है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तकरीबन 4 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन में मीडिया वालों की एंट्री होगी, सिर्फ दूरदर्शन ऊपर से हम लोगों को सूचनाएं देगा, फीड इकट्ठा कराएगा, लेकिन हम लोग वहां पे मौजूद रहेंगे और झारखंड से खास करके जो राजनीतिक पार्टियों के जो ऑब्जर्वेशन है, जो इन लोगों ने कहा कि कोई एक चरण में चाहता है, कोई दो चरण में चाहता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा चरणों में करता है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि अगर एक चरण में चुनाव होते तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बीजेपी को धांधली करने का मौका मिलता है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। जबकि बीजेपी कह रही है कि नक्सल प्रभावित इलाका है और पिछले बार 5 चरण में चुनाव हुए, लोकसभा 2019 के चुनाव 4 चरणों में हुए, तो इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा चरण में चुनाव हो, ये बीजेपी कहती है। लेकिन क्या होगा, कितने चरण में चुनाव होंगे, क्या रूपरेखा होगी चुनाव का, महज कुछ घंटों का वक्त रह गया है, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि झारखंड में विधानसभा चुनाव कितने चरण में होंगे, क्या उसकी रूपरेखा होगी, क्या समय सीमा होगा, कब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, कब मतगणना होगी, ऐसे बहुत सारे किंतु परंतु के सवाल महज अब से थोड़ी देर में ही कुछ घंटों का वक्त रहा है जब मिल जाएगा हमारे दर्शकों को। चलिए ऋषिकेश, लौटेंगे आपके पास, विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस दफ्तर में विपिन इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, आप सुन रहे होंगे कि फुरकान अंसारी जुड़े हुए थे ऋषिकेश के साथ, उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी दल ये कहती है कि नक्सलवाद का पूरी तरह से राज्य में सफाया हो गया, तो फिर इतने चरणों की चुनाव की क्या जरूरत है, एक चरण में ही चुनाव निपटाने चाहिए, और कहीं ना कहीं इसका फायदा पार्टी उठाना चाहती है, इसलिए ज्यादा चरणों की डिमांड पार्टी ने की है। क्या लगता है, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, कितने चरणों में राज्य में चुनाव हो सकते हैं? देखिए आसिया, जो पहला अनुभव था हम लोगों का, जो इससे पहले जो झारखंड में अब तक के लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा की चुनाव की बात करें, और बीता जो विधानसभा 2014 में हुआ था, तो उस वक्त 25 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी की गई थी और 25 नवंबर को पहले चरण का चुनाव कराया गया था और 18 दिसंबर तक पूरी 5 चरणों में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। तो इस बार जो बात करें तो झारखंड पुलिस की तरफ से 4 चरण में विधानसभा का चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी गई है। जहां तक राजनीतिक दलों की बात करें तो संपूर्ण विपक्ष ने एक चरण की मांग की थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 चरण में झारखंड में विधानसभा के चुनाव जो है वो संपन्न कराए जा सकते हैं, और जिसके तहत जो अनुभव है वो बताता है कि आज के नोटिफिकेशन के साथ ही पहला राउंड जो होगा वो 1 या 2 दिसंबर को झारखंड में होगा, उसके बाद फिर उसमें उसके बाद 8 या 9 तारीख को दूसरे चरण की घोषणा होगी का चुनाव कराया जाएगा, फिर 15 या 16 को। तो कुल मिलाकर जो अटकलें हैं, 3 चरण तो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन जो है जिस तरह से यहां से रिपोर्ट भेजी गई है राज्य सरकार की तरफ से, जो प्रशासनिक महकमा है जिसने आग्रह किया है चुनाव आयोग से, झारखंड पुलिस की तरफ से, कि 4 चरण में अगर चुनाव झारखंड में विधानसभा के कराए जाते हैं तो बेहतर होगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें या फिर जो भौगोलिक दृष्टिकोण है झारखंड की उसकी बात करें, तो लगभग अभी ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि कितने चरण में चुनाव कराए, यहां पर चुनाव आयोग कराता है, लेकिन जिस तरह से 14 लोकसभा की सीटों में 4 चरण में चुनाव संपन्न कराए गए थे, तो वो कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि अभी भी झारखंड जो है वो एक चरण में 81 विधानसभा के सीटों पर चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। तो लगभग 3 या 4 चरण जो है वो झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग जो है वो लगा सकता है। चलिए, राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश का रुख करते हैं। लगता है राजेश से संपर्क नहीं हो पा रहा, दिल्ली चलेंगे, हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, बीजेपी कहती है कि राज्य से नक्सलवाद का सफाया हो गया है, उसके बाद बीजेपी ने डिमांड रखी थी कि 5 चरणों में राज्य में चुनाव हो ताकि अच्छे से चुनाव कराया जा सके,
किस तरह की हलचल, जैसे विपिन भी अंदाजा लगा रहे हैं कि 3 से 4 चरणों में चुनाव होगा, क्या लग रहा है आपको कितने चरणों में चुनाव हो सकता है राज्य में? देखिए, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार जो 5 चरणों में विधानसभा 2014 के में चुनाव की तारीखें हुई थी, जो फेज निर्धारित किए गए थे, इस बात की संभावना कम जताई जा रही है कि 5 चरणों में झारखंड में चुनाव होंगे। 5 चरणों से कम में चुनाव कराए जाने की बात इलेक्शन कमीशन के अधिकारी लगातार कह रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये चरण 3 से 4 चरणों में हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब 2014 में आयोजित किए गए तो शुरू के, देखिए कि पूरे देश में 6 चरणों में चुनाव हुए, लेकिन शुरू के 2 चरण जो थे वो झारखंड को नहीं छुआ गया, वहाँ 4 चरणों में चुनाव कराए गए थे। तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि हो सकता है कि 4 चरणों में चुनाव कराए चुनाव आयोग, या फिर वो चरण 3 हो सकता है, क्योंकि चुनावों का मानना है कि काफ़ी लंबा वक्त होता है, उनके जो सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट है वो पूरा हो गया है। राजनीतिक दलों ने जब चुनावों के साथ बातचीत हुई थी तो बीजेपी ने कहा था कि अब नक्सलवाद की वो स्थिति नहीं है जो 2014 में हुई थी, लिहाजा नक्सलवाद को बहुत हद तक काबू में कर लिया गया है और उसमें चुनावों को एक सुविधा होगी, नहीं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। चुनाव आयोग ने के अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से वो चरण तय करेंगे, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई दिक्कतें नहीं है। केंद्र ने साफ कर दिया कि सिक्योरिटी को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो CRPF के DG हैं उनके साथ इन लोगों की बैठकें हुई थी, होम मिनिस्ट्री में अलग अलग जो अर्धसैनिक बलों के बल हैं उनके मुखिया के साथ बैठक हुई थी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ज़्यादा तैनाती है और बहुत ज़्यादा, चूंकि महज एक चरण में चुनाव, खास करके एक राज्य में चुनाव होने हैं, दिल्ली में उम्मीद की जा रही है कि अलग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो एक राज्य में चुनाव कराए जाने में जो सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी सफिशियंट है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही है और भरपूर पर्याप्तता है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। लेकिन किंतु परंतु का ये जो प्रश्न है वो महज अब कुछ घंटों का वक्त रह गया है, 3 बजने को है और महज अब 1.5 घंटे का वक्त रह गया है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जो तीनों कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा के साथ 2 अन्य जो लवासा और मिश्रा हैं, तो वो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि झारखंड में कितने चरण में चुनाव होंगे, पहले चरण में कहाँ होगा, नामांकन की प्रक्रिया क्या होगी। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए हम लोगों को कि 1.5 घंटे का महज वक्त रह गया और इलेक्शन कमीशन में अब जो पत्रकारों के घुसने की प्रक्रिया अब थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी, औपचारिक तौर पर हम लोग अपने कैमरे को डिप्यूट करेंगे और फिर झारखंड में अपने दर्शकों को तमाम अपडेट देते रहेंगे चुनाव आयोग से कि क्या तारीखें हैं, कौन कौन से जिले में चुनाव होंगे, कौन कौन से विधानसभा में, कौन कौन से चरण में चुनाव होंगे, किस तारीख को वोटिंग पड़ेगी, कब मतगणना होगी, ये सब सारे सवाल अब महज कुछ घंटों का वक्त रह गया है जब इस पर से पर्दे उठ जाएंगे। चलिए ऋषिकेश आप बने रहिए हमारे साथ, विपिन भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस दफ्तर से। विपिन, अब तो थोड़ी देर में तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कितने चरणों में चुनाव होने हैं और किस चरण में कहां कहां चुनाव होंगे। कांग्रेस में भी काफ़ी हलचल है अब चुनाव की तारीखों को लेकर, हालांकि कांग्रेस का दावा है तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन महागठबंधन अब तक आकार लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। विपिन, अब जब चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी तो क्या उम्मीदें की जाए, कब तक महागठबंधन का स्वरूप मीडिया के सामने होगा, जनता के सामने होगा? जी देखिए, आसिया गठबंधन को लेकर जो बात है वो लगभग तय हो चुकी है और ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। कल झारखंड में कांग्रेस के एक बड़े नेता से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये जानकारी दी कि अगर अभी वो गठबंधन की घोषणा कर देते हैं तो बीजेपी को उनके खिलाफ रणनीति बनाने में आसानी होगी। ये तर्क कांग्रेस की तरफ से जरूर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ सीट जो है जिसने पेच फंसा कर रखा है जिसके वजह से अभी तक आधिकारिक रूप से इस गठबंधन की घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर तय है कि एक जो खाका तैयार हुआ है -JVM महागठबंधन झारखंड में बनता नजर आ रहा है, जिसमें कि वाम दल भी शिरकत करेंगे, जिनको कि लोकसभा के चुनाव के वक्त ही कहा गया था कि विधानसभा के चुनाव के समय इन्हें ये जो महागठबंधन का फोल्डर है उसमें जगह मिलेगी। तो -JVM क्योंकि बाबूलाल इस अलायंस के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जो बातें सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन को के लीडरशिप में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो यह भी एक बड़ी वजह है। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी RPN सिंह जब रांची के दौरे पे थे, कल देर शाम वो दिल्ली रवाना हुए, तो उससे पहले हेमंत सोरेन
के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है और लगभग एक खाका तैयार किया जा चुका है। जो बातें सामने आई है कि कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर ये जवाबदेही सौंपी है कि इस गठबंधन में और जो घटक दल होंगे वो राजद की बात करें, वामपंथी दलों की बात करें, तो उन्हें कितनी सीटें दी जाएगी इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को निर्णय लेना है। कांग्रेस ने अपनी सूची सौंप दी और लगभग जो जानकारी मिल रही है कि 28 से 30 सीट पर कांग्रेस संतुष्ट हो सकती है और बाकी सीट जो बचते हैं उस पर जे झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो अन्य छोटे दल हैं जिनको कि शामिल कराया जा रहा है, जिस तरह से जानकारी मिली है, तो उनको उनके लिए सीट जो है वो छोड़े जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह तय है कि जेएमएम के लीडरशिप में महागठबंधन जो है वो चुनावी मैदान में होगा अगर ये गठबंधन किसी कारणों से नहीं टूटता है। तो जो अब तक जो जानकारी मिली है कांग्रेस की तरफ से, हर हाल में कांग्रेस गठबंधन का फेवर कर रही है। इसके पीछे वजह भी रही कि जिस तरह से हरियाणा में 9 निर्दलीय विधायकों को जीत हासिल हुई, महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं वहां भी कई छोटे दल जो हैं उन लोगों ने उनकी वजह से कांग्रेस को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर एक ओपोजिशन जो है उसको इंटेक्ट करके कांग्रेस भी चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी है उन्होंने कल जो बयान दिया था कि किसी नेता के नाम पर गठबंधन नहीं होगा, किसी सीट को लेकर गठबंधन में त्याग नहीं होगा, बल्कि पार्टी जहां पर जीतती नजर आएगी, जहां पर परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएगी कांग्रेस, उसी सीट को कांग्रेस अपने खाते में लेगी। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, ये साफ तौर पर आरपीएन सिंह ने कहा था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो अभी लोक आस्था का महापर्व है छठ, तो रविवार को जब छठ समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद संभवतः सोमवार या मंगलवार को आधिकारिक घोषणा गठबंधन की हो सकती है। तो क्या जेवीएम को भी शामिल करने की कोशिश होगी इसमें विपिन? देखिए, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे तो लगभग ये माना जा रहा है कि माइनस जेवीएम यहाँ पर गठबंधन होगा। बाबूलाल भी जो है वो लेकिन ये तो महागठबंधन के लिए ही नुकसान है ना विपिन, ये वोट किसके कटेंगे ये तो समझना होगा ना जी। देखिए, इसमें ये बातें बाबूलाल को भी समझने की आवश्यकता है क्योंकि ये जो चुनाव होगा ये झारखंड की राजनीति के साथ साथ झारखंड विकास मोर्चा के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा। क्योंकि बीते दिनों में जिस तरह से जेवीएम लगातार टूटता आया है, पार्टी के सुप्रीमो खुद पिछली बार भी विधानसभा का चुनाव 2 सीटों से हार गए थे, लोकसभा का चुनाव वो कोडरमा में तकरीबन 4.5 लाख वोट से हारे थे, और जिस तरह से पार्टी के जो 8 विधायक पिछले विधानसभा में चुनाव जीत कर आए थे 1.5 महीने के अंदर, उसमें से 6 विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। प्रकाश राम अभी हाल में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो सिर्फ प्रदीप यादव बचते हैं विधायक के तौर पर झारखंड विकास मोर्चा के पास। लेकिन बाबूलाल मरांडी की जो सोच हम समझ पाते हैं कि उनको लगता है कि वो अगर अलग लड़ेंगे तो उनको जनता के प्रति जनता का उनके प्रति जो है एक उत्साह लगेगा। जो थिंक टैंक है बाबूलाल के वो ऐसे ही सोचते हैं, यही एक वजह रही। और सबसे बड़ी वजह यह है कि हेमंत को लीडर मानने में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं बाबूलाल मरांडी, तो यही वजह है वो अलग रहेंगे। और जाहिर सी बात है बाबूलाल मरांडी अगर अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये वोट जो है ये विपक्षी खाते का ही कटेगा। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प है आसिया, क्योंकि जब लोकसभा में महागठबंधन हुआ था तो किस दल ने कितना अपना वोट जो है वो तो अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को शिफ्ट करा पाया था, इस पर भी आकलन करना काफी गंभीरतापूर्वक जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त 57 सीटों पर बीजेपी ने लीड हासिल किया था, 6 सीट पर आसू के उम्मीदवार लीड हासिल करने में सफल हुए थे। कुल मिलाकर 81 में से 63 सीटों पर एनडीए जो था वो लोकसभा में विधानसभा बार आगे था। और जहां तक बात अगर की जाए विपक्ष की तो बाकी सीटों में इनके लोग थे, लेकिन कई ऐसे सीटें थी जहां पर जेवीएम को लीड नहीं मिल पाया। तो कई तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को समझते हुए हालांकि आरपीएन सिंह ने कहा है कि कवायद चल रही है बाबूलाल मरांडी को भी गठबंधन में रखकर विधानसभा के चुनाव को लड़ने का, लेकिन संकेत जेवीएम की तरफ से यही है कि वो एकला चलो की राह पर है। और ये जो गठबंधन जो अब बनता दिख रहा है उसमें कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और जो वाम दल है उनके 4-5 लोगों को महागठबंधन में हिस्सा मिल सकता है। चलिए, राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, ये तो महागठबंधन की कवायद है और एनडीए की अगर बात करें राजेश, तो इधर एनडीए में किस तरह की हलचल है? जब आजसू ने अपनी सीटें बढ़ा दी हैं, आजसू की डिमांड ज्यादा हो गई है, तो कैसे इसे सॉल्व करेगा अब एनडीए? ये पार्टियां होती है उनमें एक अलाइनमेंट जरूर रहता है, क्योंकि इन लोगों का पुराना गठबंधन रहा है और झारखंड बनने के बाद से आसू बीजेपी का सहयोगी दल रहा है। तो ऐसे में जो समझौता होता है सीट शेयरिंग
के जो मामले होते हैं वो परस्पर बैठकर सुलझाए जाते हैं पार्टी के जो बड़े नेता हैं। और ये अलग बात है कि अभी हाल के समय में हमारे साथ है प्रतुल साहब, इनसे जरा बात करते हैं कि अच्छा ये बताइए जो अभी बयानबाजी चल रही उसी से ये बातें निकल के आ रही है कि आजसू के साथ आपके रिश्ते जो बहुत पुराने भले हों लेकिन खटपट तो है। कोई खटपट नहीं है, पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बड़ा हृदय दिखाते हुए बड़े भाई का रोल करते हुए अपनी सिटिंग सीट ग्रिड में सैक्रिफाइस कर दिया था साहब। गठबंधन धर्म निभाने में हमारा कोई जवाब नहीं और आजसू के साथ मुकम्मल गठबंधन होगा। एहसान फरामोश भी कोई चीज होती है कि मान लीजिए कि आपने किया आप नहीं करेंगे, अब ये विपक्ष के लिए एहसान फरामोशी जैसे शब्द लागू होते हो, हम तो एहसानमंद रहने वाले हमारे दल के लोग हैं। आपको एक क्विक पॉइंट राजेश, एक क्विक पॉइंट, अपोजिशन ने डिमांड किया था कि एक चरण में चुनाव हो, हमने डिमांड किया था कि पांच चरण में हो। आप कॉन्ट्रास्ट समझे, अपोजिशन भी मानती है ना आज कि नक्सलवाद यहाँ कम हो गया है, यहाँ विधि व्यवस्था सुधरी है, तभी तो वो एक चरण में चुनाव करने की मांग कर रहे थे। हमने तो प्रिकॉशन लेकर बाकी चीजों का ध्यान देते हुए पांच चरणों में किया था। तो अपोजिशन का झारखंड में एक चरण में चुनाव कराने का डिमांड ही ये दिखाता है कि नक्सलवाद की कमर टूट गई और वो भी एडमिट कर रहा है। ठीक है, वो जो काम किया है वो लोग जनता देख रही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो अलायंस पे खटपट है। अब आजसू का कहना है 26 सीट का प्रस्ताव मैंने आप देखें कि ये बाईपास करके आजसू के नेता चल रहे हैं, ये लीडरशिप चल रही है कि हमने केंद्रीय नेताओं से को सौंप दिया है और उनसे बात होगी, प्रदेश स्तर पे वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है, कैसा संबंध है आपका? पहले आप कौन से बाईपास की बात कर रहे हैं, हम तो विकास बयान आया है, विकास के हाईवे पर हम और आजसू गठबंधन में सीट शेयरिंग, जवाब भी देने दे, विकास के हाईवे पे भाजपा और आजसू कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और हमारा तो गठबंधन सच में राष्ट्रीय स्तर पे हुआ था, लेकिन सीटों को लेकर कोई खटपट नहीं है, आकांक्षाएं होती हैं, उन आकांक्षाओं को मिल बैठकर हमारे पार्टी के बड़े नेतृत्व तो शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा। मुकम्मल तैयारी हो गई है साहब, दम भर के लड़ेंगे हम लोग दोनों। आप 2014 की तुलना में सीटों का जो बंटवारा होगा एक फॉर्मेट था, क्या वो रहेगा या उससे कुछ उसमें कुछ इजाफा होगा जैसा कि आजसू के लोग कह रहे हैं? देखिए हमारा गठबंधन विकास के मुद्दे पे हुआ था, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हुआ था, सीटों की बात तो बहुत छोटी सी हो जाती है, जब विकास को लेकर आजसू भी उतने सजग है जितने हम सजग हैं तो फिर कोई बाधा नहीं आती, सीट का एडजस्टमेंट तो बहुत छोटी चीज होती है। मैंने कहा ना विकास के हाईवे पे भाजपा और आजसू साथ साथ चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ये कब तक सुलझ जाएगा ये जो आप लोगों के बीच चल रहा है? बहुत शीघ्र तारीख का ऐलान होने जा रहा है, आपको लग रहा है कि कितना समय बच जाएगा? देखिए तारीख का ऐलान होने दीजिए, उसके बाद छठ का छठ पर्व का वेला है, उसके तुरंत बाद हमारा जो भी गठबंधन है उसका खाका तैयार हो चुका है और ये शीघ्र इसकी घोषणा। तो दोनों ही गठबंधन में तैयारियां हैं और दोनों ही ये कह रहे हैं कि कहीं कोई एतराज और दिक्कत नहीं है, ये बाद में पता चल पाएगा, अब छठ पर्व के बाद ये इंतजार करना होगा राजेश कि दोनों ही गठबंधन क्या डिसीजन लेते हैं और कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होता है। चलिए राजेश, विपिन और ऋषिकेश आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। सच है तो दिखेगा।